सोनभद्र के चौपन नगर पंचायत अध्यक्ष और खनन व्यवसायी इम्तियाज अहमद की आज बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि इम्तियाज अहमद आज सुबह घर से खेलने के लिए निकले थे, तभी तीन चार की संख्या में आए बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई। गोलियों से छलने इम्तियाज अहमद को जब तक जिला अस्पताल लाया जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने दौड़ करके एक हमलावर को पकड़ लिया और उसके पास से एक कार्बाइन भी बरामद हुई। घटना के बाद हड़कंप मच गया और मौके पर एसडीएम, सीओ और एसपी समेत कई आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस का कहना है कि अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोलियां चलाई हैं। अत्यधिक खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। एक हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बताया कि पुलिस छानबीन में लगी हुई है और जल्दी हमलावरों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एक हमलावर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चौपन नगर पंचायत की हत्या हो गई है सर, क्या है पूरा क्या जानकारी? ये अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि कुछ अज्ञात हमलावरों ने इन पे अटैक करके जब हम मॉर्निंग वॉक में गए थे सुबह तो इन पे गोली चलाई है और इनके प्राइमरी फेस इनके पैर में गोली लगना पाया जा रहा है। एक्सेसिव ब्लीडिंग से शायद इनकी डेथ हुई है, तो पीएम में सारी चीज़ें निकल आएगी। एक व्यक्ति इसमें गिरफ्तार है तो उससे फिर पूछताछ की जाएगी, हत्या के कारणों का पता लगाया जाएगा। जो भी लोग इन्वॉल्व है किसी को बख्शा नहीं जाएगा इसमें। सर उसके पास से कुछ असलाह भी बरामद हुआ है, कार्रवाई बरामद हुई? अभी मैं जाके मौके के लिए मैं रवाना हो रहा हूँ, मैं जाके देखूंगा उसके बाद फिर मैं आपको। सर बाहर के लोग थे या यहीं स्थानीय लोग या किस? सारी चीज़ें मैं एक बार जाके देख के फिर ब्रीफ करूँगा। क्या जानकारी हो गई सर? नगर पंचायत अध्यक्ष के पति खुद थे ना नगर पंचायत अध्यक्ष की हत्या का मामला, क्या मामला सर? अभी बॉडी आई है उसमें 154 बात हुई है, हमने बताया कि जो हत्या है उसको मार लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे गोली मारी? घटनाक्रम की पूर्ण जानकारी नहीं है लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ आए थे लोग और उन्होंने गोली मार दी पैर में और यहाँ पे जब तक ले आए इनको सरकारी हॉस्पिटल में डेथ हो चुकी है। सर ये बाहरी लोग थे या स्थानीय थे या कुछ, क्या मामला? अभी इसकी जानकारी नहीं है, इंस्पेक्टर चौपर ने पकड़ा है और पूछताछ कर रहे हैं। तारीफ किया, रोज की भात वो टहलने जाते थे, अब किसी अपराधी ने उनको घात लगा के तैयार रखा था और उनको दोनों पैरों पर गोली से बरसात कर दी है। जो कि पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए, वहाँ से रिफर कर दिया गया है, यहाँ पे आने के बाद जिला अस्पताल पर उनकी मृत्यु हो गई है। घोर निंदा करता हूँ। कोई अपराधी पकड़ा भी गया है? हाँ, अपराधी चौपन थाने में पकड़ा गया है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम कुशल सिंह, मैं नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का, मैं सभासद भी हूँ, वार्ड नंबर 11 का।